नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे पटना मेट्रो को लेकर। बिहार में मेट्रो निर्माण को लेकर लगातार काम जारी है। ऐसे में राजधानी पटना में मेट्रो निर्माण को लेकर बिहार सरकार लगातार जोर दे रही है। बता दें कि राजेंद्र नगर के पास मोइनुल हक स्टेडियम परिसर में सबसे पहले भूमिगत मेट्रो के लिए खुदाई का काम शुरू किया जाना है। बताया जा रहा है कि मोइनुल हक में सबसे पहले डी बॉल का निर्माण किया जाएगा, इसके बाद टनल बोरिंग मशीन को काम जो है आगे बढ़ जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार पटना मेट्रो में टनल बनाने के लिए करीब 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। टनल मशीन के निर्माण को लेकर चीन से मशीनें मंगवाई जा रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि अगले 2-3 महीने में इस टनल के निर्माण कार्य की शुरुआत हो जाएगी। पटना में मेट्रो निर्माण को लेकर एक दूसरा मामला यह भी अटक रहा है कि मेट्रो के लिए डिपो की जमीन के साथ साथ विदेशी ऋण का मामला भी अटक गया है। बता दें कि पहाड़ी व रानीपुर में मेट्रो डिपो निर्माण को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से अक्टूबर 2021 में अधिसूचना निकाली गई थी, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि अगले 6 महीने के अंदर मेट्रो के जमीन का अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन स्थिति यह है कि 1 साल हो जाने के बाद भी यह संभव नहीं हो सका है, यानी कि ना तो भूमि अधिग्रहण किया गया है और ना ही विदेशी ऋण का मामला जो है वो निपट पाया है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों के विरोध के बाद यह पूरा मामला अटका है। आपको यह भी बता दें कि पटना मेट्रो के निर्माण को लेकर कुल 17.5 हजार करोड़ रुपये खर्च होने हैं, जिसका 60% पैसा जापान की कंपनी जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी यानी कि जायका से लोन के रूप में दिया जाएगा। बता दें कि इस लोन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जायका के प्रतिनिधिमंडल ने भी 5 से 6 महीने तक इस पूरे कार्य का अवलोकन किया था। हालांकि बिहार सरकार को जायका से लोन लेने के लिए जमीन का अधिग्रहण दिखाना सबसे ज़्यादा जरूरी है, लेकिन स्थानीय लोगों के दखल के बाद से मेट्रो डिपो निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। दरअसल स्थानीय लोग अपनी मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, जिसके बाद यह पूरा मामला अधर में चला गया। बता दें कि पिछले दिनों इन इलाकों में जहां पर मेट्रो के इंजीनियर द्वारा पाइलिंग को लेकर लोकेशन दिया गया था, वहां पर जब पाइलिंग के लिए गए तो स्थानीय लोगों ने उन्हें वहां से भगा दिया। बताया जा रहा है कि 45 स्थानीय लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। इस पूरे क्षेत्र में 1000 लोगों में से 750 लोगों ने अपनी दावा और आपत्ति के विरोध किया था। ऐसे में अब जब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो इधर मेट्रो निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ है। ऐसे में अब यही उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद ही इसमें एक नया अपडेट सामने आ सकता है। आपको बता दें कि राजधानी पटना के 2 अलग अलग हिस्सों में मेट्रो निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में मेट्रो स्टेशन एलिवेटेड रूट के साथ साथ अंडरग्राउंड रूटों पर भी काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि इन दिनों रूटों को अगर मिलाकर कुल अगर हम स्टेशनों की संख्या देखें वो 26 रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य किया जाना है। बता दें कि पटना मेट्रो के कॉरिडोर 2 को पहले बनाए जाने की बात कही जा रही है। मीडिया चल रही खबरों की माने तो 2026 तक पटना में मेट्रो की पूरी प्रक्रिया जो है वो समाप्त होने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसका जो है जितनी जल्दी हो सके पटना मेट्रो का निर्माण कार्य किया जा सके, ताकि आम लोगों को जो है इससे सहूलियत मिल सके और खासकर शहर के अंदर जिस तरह की ट्रैफिक की समस्या है उससे लोगों को निजात मिल सके। ऐसे में अभी जो प्रारंभिक मामला जो अटका है वो डिपो निर्माण कार्य को लेकर, जमीन अधिग्रहण को लेकर मामला अटका है। जब तक जमीन अधिग्रहण का मामला पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक जापान की कंपनी यानी कि जायका से जो है 60% पैसे जो है वो नहीं आएंगे। ऐसे में निर्माण कार्य जो है आगे अवरुद्ध होता दिख रहा है। ऐसे में बिहार सरकार को एक कड़े फैसले लेने की जरूरत है मेट्रो निर्माण को लेकर। तो ये थे पटना मेट्रो निर्माण से लेकर जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।